तो गैस ऐसे आपको कुछ सीढ़ियों से पानी आते दिखाई देगा, और ये सीढ़ियों से पानी जब बारिश होती है तभी आता है। देख रहे हो ना ये कैसे लड़की है आ रही है जो बैठ बैठ के। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप भी ऐसे बैठ बैठ के उतर सकते हैं। तो गैस फिलहाल बारिश आ चुकी है ऊपर काफी तेज, देख रहे हो ना। स्वागत है गाइस आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग में हम बात करेंगे लोहागढ़ फोर्ट के बारे में। अगर आप लोग भी लोनावाला आ रहे हो तो ये लोहागढ़ जो फोर्ट है वो पड़ता है लोनावाला में, और यहाँ जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि ट्रेन वगैरह और बस वगैरह। देखते हैं कैसे पहुंचना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वाले ब्लॉग में। फिलहाल मैं अभी पहुंच गया हूं मलावली रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे यहां देख सकते हो लिखा हुआ है ना मलावली रेलवे स्टेशन। तो यहां से ही आपको लोहागढ़ फोर्ट जाना होगा। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो लोनावला से एक आगे वाला स्टेशन होगा जो कि मलावली होगा, और पुणे साइड से आ रहे हो तो पहले मलावली पड़ेगा, उसके बाद ही लोनावाला होगा आगे जाके। तो बस ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो यहाँ से ही आपको मिलेगा लोहागढ़ के लिए ऑटो वगैरह। फिलहाल हमें नहीं मिला है, बाकी देखते हैं कि हमको कब मिलता है कैसे क्या, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे मैंने देखा पीछे खड़े हुए हैं, उनको नहीं मिला तो हमें कैसे। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई नाम बता दो पहले अपना अपना। मेरा नाम किरण है। और आपका? विशाल। तो हम तीन, मतलब ये तीन थे और एक मैं, चार हो गए। और मैं तो आपको मालूम ही है सोलो ट्रेवलर हूँ, अकेले ही निकलता हूँ कहीं के लिए भी जाऊँ। तो फिर ठीक है, मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आने वाला है लोहागढ़ में। लोहागढ़, लोहागढ़। तो गाइस फिलहाल ऑटो वाले 50 रुपये पर पर्सन मांग रहे हैं, आप लोग आ रहे हो तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जा सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आके जो ब्रिज वगैरह देख रहे हो ना पीछे, इस पर आओगे तो ऑटो वगैरह मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ लोकल के बंदे मिल गए हैं, तो अब हम कैसे भी जाएंगे, ट्रैक भी कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं, या फिर वो सामने देख रहे हो ना उससे भी जा सकते हैं, देखते हैं वो कितना लेता है। और ये इसमें मजा आने वाला है भाई, 100% इसमें मजा आने वाला है। किसी रोज़ बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों ना ना। इन्होंने हमें रास्ते में ही उतार दिया है और बोल रहे हैं यहाँ से पैदल जाने के लिए। और नीचे का व्यू देख सकते हो आप, पीछे वाटरफॉल वगैरह है ना। और इस साइड में दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ से हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा पूरा लोहागढ़ के लिए। बाकी का आप कभी आ रहे हो तो रास्ते में ये ड्रॉप करेंगे आपको, वहाँ से आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, लगभग 4 किलोमीटर रहेगा। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और अभी हम व्यू दिखाते हैं आपको। व्यू देख रहे हो ना भाई, क्या शानदार व्यू है। चलो बहुत मज़ा आने वाला है लोहागढ़ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना ट्रैक पर, काफ़ी सारे वाटरफॉल और व्यू है ना वो काफ़ी मस्त दिखने वाले हैं आपको। मैं एक व्यू आया है, एक वाटरफॉल है वो दिखाता हूँ मैं आपको। वाटरफॉल देखो जैसे वो ऊपर से पानी गिर रहा है ना वहाँ से, वो ऐसे वाटरफॉल आपको कई सारे मिलेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी शानदार दिख रहा है, देख रहे हो ना काफ़ी बंदे हैं वहाँ पे ज़्यादा, लड़कियाँ और लड़के वगैरह जो भी है। तो क्या सामने जो नीचे व्यू देख रहे हो ना वो पूरा मलावली का व्यू है, मतलब मलावली वो जगह है जो पूरी लोनावाला में आती है। सामने बादल हो रखे हैं पूरे और हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। तो वैसे देख रहे हो ना इन सबको उतारा है, जैसे मेरे को उतार दिया था नीचे में वो नीचे वाले एरिए में, सारे जा रहे हैं 4 किलोमीटर चढ़ते चढ़ते। सच बता रहा हूँ यार ट्रैकिंग, आओ एक बार लोहागढ़, मालूम होगा आपको लोहागढ़ की ट्रैकिंग के बारे में। भाई पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, लेकिन पसीने से भी ज़्यादा अच्छा है पता क्या, वो व्यू जो दिखता है सामने का व्यू देखो, वाटरफॉल एक वाटरफॉल, जैसे जैसे नीचे जाओगे ऐसे कई सारे वाटरफॉल आपको मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा शानदार है सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, और अगर आप वाटरफॉल के साइड में जाने की कोशिश करोगे तो उधर पत्थर जो है काई बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप देख लेना अपने हिसाब से, उसमें स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस है। मैं गिर गया हूँ, चोट तो थोड़ी सी आई है कमर में तो चलेगा, लेकिन हमको जाना कहाँ वो दिखाता हूँ। ऊपर जो देख रहे हो ना टीला, हाँ ये वाला सामने देखो है ना, तो ये रास्ता जा रहा है पूरी दो पहाड़ी क्रॉस करके हमें जाना होगा वहाँ पर, और वहाँ चलते हैं हम और देखते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी होने लगी है बारिश और इस टाइम पे ट्रैकिंग के मजे कुछ और ही है भाई, देख रहे हो ना इतने सारे बंदे ट्रैकिंग के मजे ले रहे हैं और हो रही है बारिश। मैंने अपना छाता लगा लिया है, तो ये देख रहे हो ना छाता लगाना पड़ेगा क्योंकि फोन गिर जाएगा। ये देखो मजे, ओहो
भाई असली ट्रैकिंग की वजह तो ये है भाई। बारिश हो और ट्रैकिंग हो और महाराष्ट्र हो, इसके तो बात ही अलग है भाई। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं जहां से लोहागढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग शुरू होती है, मतलब जो सीढ़ियां हैं मेरे पीछे देख रहे हो यहां से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलते हैं और ट्रैक करते हैं लोहागढ़ का। तो सामने आप देखो ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, ये जा रही हैं फोर्ट के लिए। तो चलो चलेंगे हम, और ऊपर देखो सामने लिखा हुआ भी है लोहागढ़ किला, चलते हैं। और अगर आप लोग आ रहे हो सके शूज़ की जगह सैंडल पहन के आना, जो आपको पैर भीगने में परेशान नहीं करेंगे पैर, क्योंकि शूज़ भीग जाता है एक बार ही तो प्रॉब्लम होती है। तो वैसे यहाँ पे जो आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा लोहागढ़ फोर्ट के लिए, जो कि पर पर्सन 25 रुपीज़ है। यहाँ पे देंगे आपको। चलो तो गाइस ऐसे आपको कुछ सीढ़ियों से पानी आते दिखाई देगा, और ये सीढ़ियों से पानी जब बारिश होती है तभी आता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको पानी बढ़ते हुए दिखाई देगा क्योंकि ऊपर ज़्यादा पानी आता है। एक बात और गाइस, और जब भी आप आ रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से इन सीढ़ियों पर चलना है क्योंकि जंग लगी हुई है, मतलब काई वगैरह पानी गिर गिर के एकदम चिकना हो गया है, यहाँ पे पैर कभी भी स्लिप हो सकता है आपका यहाँ पे, तो देख कर ही चलना। और जैसे आप देख रहे हैं कैसे लड़की आ रही है लोग बैठ बैठ के, तो अगर आपको डर लग रहा है तो आप भी ऐसे बैठ बैठ के उतर सकते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो भाई सामने जो देख रहे हो वो है गणेश द्वार। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गणेश द्वार पे। ये जो दरवाजा देख रहे हो ये पहला दरवाजा है इसके लिए का, और सामने लिखा भी मिलेगा आपको गणेश गेट दिख रहे हो ना, तो ये है वो गणेश दरवाजा। चलते हैं इसके अंदर और दिखाता हूँ मैं अंदर चलते। तो भाई जैसे ही आप किले के अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को तोप रखी हुई जो देख रहे हो छोटी छोटी, ये है काफ़ी शानदार तोप दिख रही है यहाँ पे। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे, और ये है देखो किला। ऐसे जाएंगे ऊपर, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं और व्यू काफ़ी शानदार होते हुए चले जाते हैं, ये देख रहे हो ना, और ऊपर पहाड़ी से पानी गिर रहा है वो तो अलग ही है भाई, एकदम शानदार। और एक दरवाजा यहाँ पे है जो नीचे जाने के लिए दिखाई दे रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देखो नीचे कहाँ जा रहा है मेरे को नहीं मालूम, फिलहाल मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ वहाँ से आपको कि वहाँ से कैसा दिखता है। तो यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ऐसा कुछ व्यू है ना। तो फिलहाल चलते हैं हम ऊपर। वाओ, ये वाली जो सीढ़ियाँ देख रहे हो ना ये काफी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे पानी आ रखा है देख रहे हो ना। तो ऊपर एक और दरवाजा मिलेगा, उसके पहले आपको सीढ़ियाँ मिलेगी जो पानी आ रहा है उसमें, काफी शानदार दिखाई दे रहा है ना, मस्त एकदम। डरावना भी है क्योंकि यहाँ पे पानी गिर रहा है तो आप स्लिप भी हो सकते हो। और दूसरे दरवाजे पहुंच चुके हैं फिलहाल हम, और तो गाइस फिलहाल हम पहुंच गए टॉप पे है ना। ये ऊपर आने के बाद ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे, और मौसम काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऊपर, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिलहाल बादल इतने ज़्यादा पास आ चुके हैं तो ठीक से दिख नहीं रहा, सब फॉगी फॉगी दिख रहा है ना चारों तरफ। ये दरगाह बनाया हुआ है किले के ऊपर देख रहे हो ना, और शिवाजी महाराज इस किले को अपने खजाना रखने के लिए यूज़ किया करते थे। उन्होंने इस पे 1648 में राज किया था, उसके बाद 1665 में मुगल को दे दिया था मुगलों को, क्योंकि कोई समझौता वगैरह कुछ हुआ था उसमें उनको ये देना पड़ा था, मतलब जो लोहागढ़ फोर्ट है। उसके बाद उन्होंने 1670 में फिर से इसको अपने अंडर में ले लिया था। बाकी का मैं दिखाता हूँ, इस किले पे एक तालाब भी है, एक कुआं भी है जो वाटर सोर्स यहाँ पे था इकट्ठा, बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था उस वाले कुएँ में। और जब आप आओगे गर्मियों में आओगे तो ये पूरा साफ 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 दिखेगा, मतलब इतना फॉगी नहीं होगा। फिलहाल इतना ज़्यादा फॉगी है इस टाइम पे तो ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको। फिलहाल मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस फिलहाल बारिश आ चुकी है ऊपर काफ़ी तेज, देख रहे हो ना। ये
तो गाइस किले के ऊपर जब आप आओगे ना तो सबसे पहले आपको दरगाह दिखेगी, उसके बाद दिखेगा भोलेनाथ का टेंपल। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये है भोलेनाथ का टेंपल, देख सकते हो आप, सामने दिखाई दे रहे हैं आपको, भोलेनाथ की शिवलिंग दिखाई दे रही है। तो एक बार ही हर हर महादेव जरूर लिख देना कॉमेंट में, और ये दर्शन हो रहे हैं आपको। ये छोटा सा मंदिर है, जैसे आप देख सकते हो एक कलश टंगा हुआ है यहाँ पे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे चल के, यहाँ पे एक तालाब भी बनाया गया है, वो दिखाता हूँ, जो कि मंदिर के बाजू में देख पा रहे हो ना, सीधे हाथ पे, मतलब राइट हैंड साइड पे। ये देखो, ये है वो तालाब जिसमें यहाँ पे उस टाइम पे पानी इकट्ठा किया जाता था, और जब यहाँ पे जो सैनिक वगैरह रहते थे उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था सब यहीं से हुआ करती थी। यहाँ पे देख सकते हो आप एक बार। तो लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, ऊपर में ऊपर काफ़ी फॉगी जो दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो हल्के हल्के बादलों में चले गए तो दिख नहीं रहा ठीक से फिलहाल। और इस फोर्ट की बात करें, लोहागढ़ जो महाराजा शिवाजी महाराज जो थे ना, उन्होंने इसको अपने खजाना रखने के लिए यूज़ किया था।